भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से मांग की है राधेश्याम ने कि समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में समान शिक्षा की अनिवार्य के लिए जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां बेड़ियां डाल करके राधेश्याम निकले अपनी मांग जन जन तक के पहुंचाने के लिए, जहां उनको रास्ते में गिरफ्तार कर इको गार्डन ले आया गया, जहां उन्होंने बताया कि आखिरकार वह इस तरीके का जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी क्या मुख्य वजह और उद्देश्य क्या है। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है इको गार्डन धरना स्थल पे, जहां पर एक बहुत खूबसूरत यानी बहुत अच्छी मांग को लेकर, क्योंकि मांग तो बहुत से लोग यहां पर अपनी लेकर आते हैं और वो अपने या अपने संगठन की या अपने लिए आते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति हमारे साथ ये सामने खड़ा हुआ, आप देख सकते हो। इनकी मांग ये है कि जो एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, उसको फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सरकार भी कहती है कि बहुत ज़रूरी है, और जब एजुकेशन ज़रूरी है तो उसे फ्री करी, क्योंकि महंगी पढ़ाई हर परिवार हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी, आप ये जंजीरों में क्यों जकड़े हुए? मैं इस पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि भारत आज़ाद हुए लगभग 76-77 साल हो गया, इस देश के सांसद विधायक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाता है, अब वोट देने वाला का बच्चा कहाँ पढ़ता है, खिचड़ी वाला में पढ़ता है। जब सबकी परीक्षाएं एक है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? बाजी नहीं, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरा नाम राधेश्याम है। बस मैं ये कपड़ा इसीलिए पहना हूँ इस देश को दिखाने के लिए, इस पब्लिक को दिखाने के लिए। अच्छा, आप चाहते हो शिक्षा फ्री हो? मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पत्रकार हो, आपका कोई तनख्वाह नहीं है, ये भी पत्रकार है, ये भी तनख्वाह नहीं है, लेकिन आज तक जो चैनल चलाता है, एनडीए टीवी चलाता है, उसके बच्चे में और आपके बच्चे में अंतर क्या है? आपके बच्चा कहाँ पढ़ता है, उसके बच्चा कहाँ पढ़ता है? अगर आईएएस की परीक्षा होता तो एक होगा, आपको पुलिस बनना हो तो किसी जाति मजहब का बच्चा बैठेगा तो एक होगा, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे देश के किसी भी संस्थान की परीक्षा हो, तो सबके लिए एक होता है। तो पढ़ाई सारी सिस्टम एक है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? आप किसको जगा रहे हो? सरकार को जगाने चला हूँ, ये पब्लिक है उनको मैं जगाता हूँ, आपको जगाता हूँ, अपने आप को जगा रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ। चाहते हो सरकार शिक्षा एक समान हो, फ्री अनिवार्य? तो इनका मानना ये है कि इनको शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, सबके बच्चे एक समान एक ही एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर जो आप करना चाहते हो करो, पर इनका कहना है कि शिक्षा जो है वो फ्री होनी चाहिए। और ये सरकार से नहीं, ये आम जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग वोट देते हो तो आप लोग जागरूक हो, और जब जागरूक होंगे तो पता चलेगा। इनका कहना इतना है कि शिक्षा चाहते फ्री हो ना, बस एक समान फ्री अनिवार्य, शिक्षा एक समान फ्री अनिवार्य। कहाँ कहाँ गए? मैं तो 6 साल से पूरे देश में, बिहार, बंगाल, अभी 7 तारीख को भाजपा कार्यालय से लेकर कांग्रेस कार्यालय पर हम लोगों का धरना था। हम लोग अभी 7 लोग, हम लोग तो 10-15 की टीम है, लेकिन यहाँ तो 3 लोग मौजूद है और साथी को पुलिस ने आने नहीं दिया है।